70 साल कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके नजरिए से कुछ नहीं कुछ ना, उनके नजरिए से ये गैर बराबरी चाहते थे, वो पूरी तरह नहीं हो पाई। ये हमेशा चाहते थे कि कुछ पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश चला जाए, उनसे हम दोहते रहें और एक अच्छी जीवन को व्यतीत करें, अपनी संगठन को बनाए, वो नहीं हुआ। ये कभी नहीं चाहते थे कि जमींदारी जैसी चीज का को हटाया जाए या जो बटाईदारी थी उसमें अधिकार मिले जाए। ये कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा समाज बने जिसमें जो सबसे नीचे तबके का व्यक्ति, चाहे सामाजिक चाहे आर्थिक रूप से, उसको हम पहले कानूनी रूप से सशक्त करें, फिर कानूनी रूप से उसके खिलाफ जो शोषण होता है उस पर हमला करें। इसके बहुत से आयाम रहे 50, 60 और 70 के दशक में, तमाम हजारों कानून गैर बराबरी के खिलाफ और समझ लीजिए इंस्टीट्यूशनल इनिक्विटी के खिलाफ जो पास की, ये तो चाहते ही नहीं थे ना वो जी। तो इसलिए इनके हिसाब से तो 70 साल कुछ हुआ ही नहीं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि मोदी झूठ बोल रहा है, मुझे लगता है मोदी को पता ही नहीं है, क्योंकि मोदी उस तरीके के विकास को विकास नहीं समझता है। कि जो एक बार कांग्रेस पे काबिज हो जाता है ना, वो फिर वहां किसी को नहीं आने देता। ये जो आदत है, मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया, मैं सेक्रेटरी बन गया, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट बन गया, बस अब मैं ही हूं। और अगर इनको ये होता कि मेरे पास जितना वोटर है तब मैं नेता हूं, हमारे यहाँ के वोटर है आप नेता हूं ये नहीं है, मैं किसी सत्ता के मास लीडर, पहले मास लीडर हुआ करते जैसे जगजीवन बाबू थे ना अक्रॉस द स्टेट्स, कई लीडर जैसे थे। और मास लीडर क्या कम्युनिटी लीडर्स जिसको बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन बंद हो गया, बंद हो गई भाई, क्योंकि आप संगठन में काम करने वालों को अगर केवल उन्हीं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे और पब्लिक लीडर्स को कम, तो पब्लिक लीडर्स कम होंगे। एक दिक्कत जो मुझे पीएम में दिखती है, एक तो पॉलिटिकल गोल्स छोड़ के और जो एक चकाचौंध वाले गोल्स छोड़ के, यू नो डेवलपमेंट की परिभाषा विस्तृत क्या है उसकी इनको समझ नहीं है। उसमें माइक्रो मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लीगल और लॉन्ग टर्म जो ह्यूमैनिटी के और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के जो गोल्स होते हैं उसकी समझ नहीं है। मोदी में एक कला तो है कि इसने भले किसी भी नेता को पब्लिक में ये कुछ भी गरियाते हो, कुछ भी करते हो, इन्होंने हर नेता से सीखने की कोशिश की। लोगों ने मुझे बताया कि स्टूडेंट बहुत अच्छा है पॉलिटिक्स का, आई थिंक इसने इंदिरा जी से स्टाइल सीखे हैं, इसने गांधी जी से स्टाइल सीखे हैं, इसने ये अन्ना हजारे से स्टाइल सीखा है, इसने नेहरू जी से स्टाइल सीखा है। कॉपीराइट अपना लगा, कॉपीराइट अपना लगा। देखिए वो ठीक है, वो किसी की भी कला, और उसमें मैं इनको अच्छी बात है, आदमी अपने लिए क्या कर रहा है करे, वो दूसरी बात है कि उन्होंने काम क्या किए वो नहीं सिखाई किसी से। कांग्रेस वोटर को किस तरीके से नए वोटर को अपने साथ जोड़ना है वो कला ही भूल गई है। कभी कभी कांग्रेस के लोगों में चर्चा करे यार पुरानी बात होगी, तो पुरानी बात से फिर पिट क्यों रहे हो, सब सवाल पूछते 70 साल कुछ नहीं किया। और 70 साल कुछ नहीं किया, कांग्रेस को पीछे हटने का सबसे बड़ा रीजन है आजकल 90% बच्चे समझते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, इसलिए आज के जो नए दल है ये बेहतर दल है, ये बात तो आप भी मानते हो। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज खास मुलाकात और खास विमर्श में खास मेहमान है, पहले परिचय कराता हूं फिर चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। संदीप दीक्षित साहब हैं, स्टीफेनियन स्टीफेंस कॉलेज से पढ़े हुए और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट के रूप में बहुत बेहतर तरीके से जाने जाते हैं। थोड़ा सा और परिचय कराता हूं, थोड़ा पीछे ले चलता हूं। लेट शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री रही दिल्ली में, उनके सुपुत्र हैं, और जो चमचमाती दिल्ली आप देखते हैं ना, उनमें शीला जी का बहुत योगदान रहा है। मैं कई बार उनसे मिला, बहुत ही सॉफ्ट महिला, बहुत अच्छे से बात करती थी, सब लोगों से मिलती जुलती थी, संदीप जी की माँ है। आज संदीप जी को विशेष आग्रह पे अंबेडकरनामा पर बुलाया है और इसके लिए विषय है कि देश के राजनीतिक हालात क्या है, क्या कांग्रेस पार्टी कभी ये एंटिसिपेट कर रही थी कि आरएसएस और बीजेपी अपना यह विकराल रूप दिखाएगा। राहुल गांधी कोर्ट से राहत नहीं मिली है, 10 तारीख को चुनाव है कर्नाटक में, चुनाव से पहले केरला स्टोरी जैसे कि कश्मीर फाइल्स, आरएसएस बीजेपी तमाम ध्रुवीकरण करने पर लगी हुई है। पूरे विस्तार से बात करेंगे
छत्तीसगढ़ रायपुर जो मैनिफेस्टो जो घोषणा जो प्रस्ताव पारित हुए उस पर भी बात करेंगे, फ्यूचर में 2024 में लोकसभा चुनाव है उस पर बात करेंगे कैसे ओपोजिशन की यूनिटी हो और कांग्रेस पार्टी क्या अपने पुराने तेवर में मतलब आंदोलन वाले तेवर में वापसी करेगी, कैसे मुकाबला होगा आरएसएस बीजेपी के साथ। इसी एपिसोड को पूरा देखते रहेगा, इसी विषय पर चर्चा है। संदीप जी से मैंने खास आग्रह किया था कि आप आए और बोले। स्वागत है सर अंबेडकर नामा में। सर अंबेडकर नामा तो पहले देखा होगा? बहुत देखा है, कि आपको मैंने जाना ही अंबेडकर नामा से। क्या बात है। कभी कभार आदमी खोजता रहता है नेट पर भी कुछ अच्छा मिले जी, तो कभी कुछ अच्छा देखा फिर उससे कुछ और मिला। ज्यादातर तो आजकल क्या है वो प्रोमोटेड वाला बकवास आता है, तो बकवास भी आदमी देखता है। बकवास देखने से एक फायदा हो जाता है कि अच्छी चीजें ज्यादा बेहतर आदमी जान पाता है। उसमें कहीं आपकी एक आध बार तस्वीर दिखी, अच्छा। मैंने नाम देखा, नाम से रुचि हुई तो मैंने कहा यार देखें क्या है ये कहानी। तो देखा कि बड़े तो बड़े ज्यादा विस्तार के विषयों पे बात करते हैं, बहुत सी चीजों पे करते हैं, अलग अलग पहलुओं पे करते हैं, और जिन चीजों में स्वयं मानते हो या ना मानते हो पक्ष विपक्ष की चीजें भी रखते हैं, तो ना आपका कोई कुंठित सोच भी नहीं देखी। तो मैंने कहा यार ये आदमी तो बढ़िया है। फिर सौभाग्य से आपसे एक दिन मुलाकात हो गई, तो आप मुझे परिचय देने लगे। उसके पहले मैंने आपसे कहा आपका चेहरा टीवी पे देखा हुआ है जी। आप हिस्टोरियन भी हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, और जाहिर है इतिहास के बगैर राजनीति जो है और इतिहास में सत्ता का खेल होता है। अभी अभी जो है आरएसएस ने बीजेपी ने सरकार ने एनसीईआरटी सिलेबस से कुछ गायब कर दिया है कुछ पोर्शन को, ये किस तरह का नस्ल बनाने की तैयारी में है जो दक्षिण पंथ की राजनीति है? देखिए ये तो बहुत सीधी बात होती है कि जब किसी चीज से आप सामने नहीं लाना चाहते हैं, कोई अपना पहलू होता है जो आप छुपाना चाहते हैं, तो या तो उसको वहां से हटा देते हैं, और अगर नहीं हटा सकते तो उसको छुपा देते हैं। सीधी बात है, हमारे कमरे में टेबल बहुत गंदी है, कोई बाहर से आदमी आ रहा है, या तो उसको हम साफ कर दें या टेबल ही हटा दें। तो इनकी दिक्कत क्या है कि इतिहास में इनको दो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। एक तो जिस इतिहास को ये झुठलाना चाहते हैं, जो एक तरीके इतिहास में ये कोई नहीं है कि हर इतिहास सच होता है, इतिहास हमारी वो समझ है कि उस समय क्या हुआ, और कुछ फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स पर आधारित करके तर्क से हम कुछ एक विश्लेषण उसका करते हैं। अब क्या है कि तर्क से कोई भी विश्लेषण करें और फैक्ट कोई भी लेकर आए, सारी कहानियां इनकी जो जिस तरीके का ये चाहते हैं कि भारत का इतिहास रहा होगा उससे ज्यादातर विपरीत पड़ती है। कुछ तो ठीक है, कुछ चीजें तो हैं जो ये भी मानते हैं, एक वो बड़ी वाली दिक्कत हो जाती है। फिर ये कई बार कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ दूसरी कहानी मढ़ने की कोशिश करें, लेकिन अब जैसा है ना कि अब आप सामने मैं बैठा हूं, मैं इतना तो कर सकता हूं कि आपकी हल्की दाढ़ी है कि बड़ी दाढ़ी है, आपकी काली दाढ़ी है कि आपकी गोरी दाढ़ी है, लेकिन ये मैं कैसे कह सकता हूं कि आपकी पूंछ है? वो तो मैं तभी कह सकता हूं कि या तो कोई झूठी पूंछ आपके सामने निकालूं, या आप ही को दृष्टि से अलग करके किसी बंदर को बिठा दूं, कहूं कि यही प्रोफेसर रतन लाल है। इन्होंने ये दोनों चीजें बखूबी से सीखी, और इनको ये लगा कि देखिए होता क्या है, पढ़ाई लिखाई में या तथ्य जानने में या सच जानने के पीछे जो है ना एक बहुत बड़ी मेहनत होती है, लाखों हजारों घंटों की पसीने होते हैं। आप जैसे प्रोफेसरों का, जानी लोगों का, रिसर्चर्स का एक समूह होता है, एक तरीके से एक फौज खड़ी होती है, लेकिन ये क्या करेंगे कि उस फौज को लड़ने ही नहीं देंगे। तो जब उस फौज को ही नहीं हम लड़ने देंगे तो फिर उसका पराक्रम कहां से दिखता है? तो एक तो ये क्या करते हैं, उन लोगों को हटा देते हैं वहां से, और जब सब खाली और साफ हो जाता है तो साफ में तो फिर आप कोई भी तस्वीर कर दो। जैसे मैंने कहा आपको मैंने यहां से हटा दिया, और आपके सामने अगर मैंने बंदर की तस्वीर रख दी इस टीवी पे, और क्योंकि आजकल टीवी ऐसा है तो बंदर भी जिंदा लगेगा, बोलता हुआ दिखेगा, डिजिटल पूरा कलाकारी होगी, तो ये कहानी बन जाती है। मैं इसको बड़े सरल शब्दों में पेश कर रहा हूं, लेकिन ये कला इन्होंने सीखी। हम लोगों में दिक्कत प्रोफेसर साहब क्या है, खासकर आप जैसे लोगों के कारण है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स को या उन लोगों को जो सोच समझ रखते थे, जो कहीं ना कहीं तर्क से भिड़ते थे, और इसलिए उनके अंदर में कुतर्क के प्रति एक शर्म थी या एक घृणा थी, उन लोगों को सच के अगल बगल चलने की तो आदत थी, लेकिन सच के उल्टा चलने की हमको कभी आदत नहीं थी। जैसे मैंने कहा मैं ये तो कह सकता हूँ कि आप नहीं पूरे ब्राउन तो नहीं है, हल्के गोरे भी हैं, ये कह सकता हूँ यार बिल्कुल काले, इतिहास की व्याख्या ऐसी होती है, इतनी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि पीले रंग के हैं या लाल रंग के हैं तो वो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 50 दर्शक इस बात को देख रहे हैं। जी, जी, लेकिन अब ये क्या करते हैं कि एक तो आपके सामने
लाल का एक शीशा डाल देंगे और फिर मानेंगे। तो ये जो उन्होंने कहानियां की, इससे इनकी जो एक पूरी गढ़ी हुई इतिहास है वो इन्होंने बनाने की कोशिश, मैन्युफैक्चर्ड हिस्ट्री, और वो मैन्युफैक्चर्ड हिस्ट्री जो आपका, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका अपना जो इतिहास था वो इतना काला है और इनका वर्तमान उससे भी खराब है। तो जब आप अपने बारे में कुछ नहीं कह पाते हैं तो पहली चीज तो जो आपके उल्टे जा रही है उसको बदनाम करो। जैसे होता है कि अगर आप बड़ी लाइन नहीं खींचना चाहते तो दूसरी की लाइन को छोटा करने की कोशिश करो। तो यही सब इनकी मनगढ़ंत इतिहास है। क्योंकि इतिहास एक और चीज, इतिहास से जूझना भी हिम्मत की बात होती है, ना? मुश्किल काम है। और हर समुदाय, हर समाज और सिविलाइजेशन जिसको सभ्यता कहते हैं, और हमारी तो एक सतत सभ्यता रही है, हर सभ्यता चाहती है कि अपने अपने जो हमारा भूतकाल रहा है उसको एक स्वर्णिम भूतकाल बताएं, जो एक गोल्डन इरा की एक बात होती है। आप तो हमसे बेहतर जानते हैं, अपने इतिहास के प्रोफेसर हैं, हर सभ्यता में एक बात होती है। लेकिन सत्य तो ये होता है कि कोई भी सभ्यता किसी भी समय में पूरी तरह से स्वर्णिम नहीं रही, नहीं रही। उसमें 10 चीजें अच्छी थी तो 10 चीजें बुरी थी, और उस संदर्भ की थी। तो उस पे तो हम एक विश्लेषक और एक ऑब्जर्वर की तरह बात कर सकते हैं ना। वहां बैठ के तो दूसरी परिस्थितियां रही होंगी, अच्छी बुरी जो भी है, उसमें नहीं जाना चाहते। अब इनकी दिक्कत क्या है कि उसको गढ़े कैसे, और जब इनके पास हिस्टोरियन भी नहीं, इंटेलेक्चुअल भी नहीं, हिस्टोरियन भी नहीं है ही नहीं ना। और जो है वो जो इनको बताते हैं वो इनकी कहानी में फिट नहीं बैठता है। फिर आप क्या करेंगे भाई? मैंने राष्ट्रवादी इतिहासकार पर पीएचडी की है प्रोफेसर श्रीमाली के साथ, जी 6 किताब प्रकाशित कर चुका हूँ, जिसमें राइट विंगर क्लेम करते हैं काशी प्रसाद जसवाल। अच्छा अच्छा अच्छा, जसवाल साहब जी। लेकिन उसमें से एक भी काशी प्रसाद जसवाल को नहीं पढ़ा होगा। इनकी दिक्कत यह है कि मुझे लगता है जैसे जिन भाषाओं की बात करते हैं संस्कृत की, जी मुझे संघ के 4 आदमी बता दो जो संस्कृत जानते हो, आप सही में पकड़ लो। अच्छा दूसरा हिंदी की भी आप चलिए हिंदी ले लीजिए, वैसे तो खैर हमारी बोलचाल में हम में से कोई प्योर हिंदी नहीं बोलता, सब हिंदी की भाषाएं बोलते हैं। आप अपने लहजे में बोलते हो, मैं अवध का हूं, मैं अपने लहजे में बोलता हूं, दिल्ली में आया हूं अलग प्रभाव पड़ा है, लखनऊ में रहता था उसमें थोड़ा बहुत उर्दू का असर है, हम सब अपने तरह की हिंदी बोलते हैं। ये तो अपने तरह की हिंदी भी ढंग की नहीं बोल पाते। अगर ये वो शब्दकोश वाली हिंदी ना बोले तो इनको तो समझ में भी नहीं आएगी क्या बोले हम लोग। तो इनकी दिक्कत ये, और इस मामले में ये है कि क्योंकि ये इस तरीके से हिंदुस्तान की संस्कारों की और संस्कृतियों की जो असली जमीन है उससे ये कभी जुड़े नहीं रहे। क्योंकि देखो साहब, असली संस्कृति और संस्कार तो भाषा से आता है, भाषा से सारी हमारी कुरीतियां भी और हमारे अच्छे भी सब भाषा से। लाइन ऐड कर दे रहा हूं, काशी प्रसाद जसवाल ने एक लेख में लिखा है कि भाषा का संबंध जो है ना रुधिर के संबंध से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, मतलब ब्लड। बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल 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 आप कह रहे हैं। तो इनको तो वो भी नहीं आती है ना। तो फिर ये दिक्कत क्या कि जब ये सब नहीं आता है तो फिर हम क्या करें? और जैसे आपने कहा, अब ये इसके पीछे ये क्या है कि कुछ बुद्धि के मामले में भी इस पूरे संगठन में कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है। और बुद्धिमान व्यक्ति के सामने जब, अब मैं बेवकूफ शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अच्छा शब्द नहीं है इस्तेमाल करने का, लेकिन कम क्षमता वाला जो व्यक्ति है, या तो उसमें इतना बल हो कि वो बुद्धिमान की या जानकार व्यक्ति की बात समझ के अपने विचारों को बदले, और या फिर गाली गलौज पे उतरे। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्तियों में या जानकार व्यक्तियों में एक चीज तो है कि वो तर्क कर सकते हैं, ठीक है, और वितर्क कर सकते हैं, उतर्क नहीं कर सकते। उतर्क नहीं कर सकते। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप कितने भी नाराज हो जाइए, आप कुतर्क नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसने, अगर आप कुतर्क करते हैं तो आप प्रोफेसर रतन लाल नहीं होते। आप वो जैसे किसी थैंक्स टू माय टीचर्स एंड फ्रेंड्स, जो भी है, देखिए प्रोफेसर, टीचर्स फ्रेंड्स मोल्ड ही कर सकते हैं, लेकिन क्ले में भी तो कुछ होना चाहिए, रेत से थोड़ी आप मूर्ति बना सकते हैं। चलिए सर, एक सवाल लेता हूँ, और मैं एज ए पॉलिटिशियन आपसे सिर्फ बातचीत नहीं कर रहा हूँ, और एक सोशल एक्टिविस्ट, एक थिंकर की तरह भी बात कर रहा हूँ। आरएसएस कहती है और बीजेपी कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, किसी को 2014 में आज़ादी मिली है, भले उनके दादाजी मतलब कांग्रेस से ही एमएलए रहे हों आज़ादी के बाद, लेकिन हम जैसे एक्टिविस्ट और एकेडमिशियन ये तो कॉम्परेटिव एनालिसिस करते ही हैं कि 70 साल में बहुत कुछ हुआ, और जो बेचा जा रहा है वो आरएसएस बीजेपी जो बेच रही है, बीजेपी सरकार उसने बनाया कुछ नहीं, बेचा वही जो जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के ज़माने में बना। उसमें सोशल एक्टिविस्ट और जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं इस बात को डिफेंड कर रहे हैं, इसको बहस में ला रहे हैं, लेकिन क्या पार्टी की तरफ से जितना एग्रेसिवली इसको काउंटर करना चाहिए था उसमें हमें लग रहा है कि उतना आ नहीं पा रहा है, क्या वजह है? देखिए अपने लीगेसी को, अपने कांग्रेस अपने लीगेसी, पहले आपकी पहली बात पर बात कर लूं कि इन्होंने जब कहा कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि इनके नजरिए से कुछ नहीं, कुछ उनके नजरिए से ये गैर बराबरी चाहते थे, वो पूरी तरह नहीं हो पाई। ये हमेशा चाहते थे कि कुछ पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश चला जाए, उनसे हम दोहते रहें और एक अच्छी जीवन को व्यतीत करें, अपनी संगठन को बनाए, वो नहीं हुआ। ये कभी नहीं चाहते थे कि जमींदारी जैसी चीज को हटाया जाए या जो बटाईदारी थी उसमें अधिकार मिले जाए। ये कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा समाज बने जिसमें जो सबसे नीचे तबके का व्यक्ति, चाहे सामाजिक चाहे आर्थिक रूप से, उसको हम पहले कानूनी रूप से सशक्त करें, फिर कानूनी रूप से उसके खिलाफ जो शोषण होता है उस पर हमला करें। इसके बहुत से आयाम रहे 50-60-70 के दशक में, तमाम हजारों कानून गैर बराबरी के खिलाफ और समझ लीजिए इंस्टीट्यूशनल इनिक्विटी के खिलाफ जो पास की गई, ये तो चाहते ही थे ना वो भाई, तो इसलिए इनके हिसाब से तो 70 साल कुछ हुआ ही नहीं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि मोदी झूठ बोल रहा है, मुझे लगता है मोदी को पता ही नहीं, क्योंकि मोदी उस तरीके के विकास को विकास नहीं समझता है जो विकास गैर बराबरी के, और गैर बराबरी जैसे मैंने कहा सामाजिक है, आर्थिक है, वर्गों के बीच की है, सत्ता पर नियंत्रण और कंट्रोल की है, साधनों संसाधनों पर नियंत्रण और कंट्रोल की है। इस सब इन सब की जो डिबेट्स है या बातचीत है, ये इनकी समझ में नहीं आती ना बेचारों की। जैसे वो क्राइस्ट क्या करते थे कि गॉड फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो, ये वही हम क्या करें भाई, जो ये चीजें समझता ही नहीं है और जिसको सिर्फ 4 रोड बनाकर और 5 बत्तियां चमकाकर ही विकास दिखता है, जिसने कभी सिविल इंजीनियरिंग से आगे कोई पढ़ाई ना की हो, जिसको सीमेंट और गारे के आगे कोई विकास नहीं दिखता हो, उससे हम कैसे उस तर्क की बात करें जिनकी, जिसको आप और हम भी एक महत्वपूर्ण विकास की कड़ी मानते हैं। तो ये जब कहते हैं इसलिए धड़ल्ले से कहते हैं। अब हम आते हैं दूसरी बात पर। सर दिक्कत इसमें क्या है कि, और ये मैं बड़े दर्द के साथ कहता हूं क्योंकि मैं उस पार्टी का हूं और कांग्रेस में केवल इसलिए नहीं हूं क्योंकि पारिवारिक रूप से मैं कांग्रेस पार्टी में जन्मी हूं, उसका एक असर तो होता ही है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है समझा है सब कुछ के बावजूद, तो बड़ी पार्टी जो बड़े सालों से रहती है उसमें अच्छा बुरा सब कुछ होता है, सबके बावजूद मैं समझता हूं कि बैलेंस में मेरे विचारों से सबसे बेहतर ये मेल खाती है, इसलिए मैं कांग्रेस में रहता हूं। हम लोगों को वो गहराई, वो लंबाई, वो चौड़ाई ही नहीं पता है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या काम किया है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी आजकल मैं एक वर्कशॉप्स लेता हूं कि नेहरू जी के 16-17 साल पे क्या हुआ, और नेहरू जी पे इसलिए क्योंकि उनपे ज्यादा हमले हो रहे हैं ठीक है, और आप अचंभित रह जाएंगे कि बड़े बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े प्रोफेसर जो कभी कभी मेरे नाम से आ जाते हैं कि चलो यार बुलाया बैठ ले, वो मुझसे कहते हैं कि साहब ये आंकड़े तो हमें पता ही नहीं है, और मैं कहता हूं कि ये मेरे थोड़ी है, मैं कोई ओरिजिनल रिसर्चर थोड़ी हूं, जो 15-20 चीजें अवेलेबल है उनसे मैंने इकट्ठा किया। अच्छा जिस तरह मेरा सार्वजनिक जीवन है, मैं रोज किताब लेके बैठ भी नहीं सकता ना, मेरे पास इतना धन संसाधन है कि मेरे पास रिसर्च एसोसिएट्स है। अब आप देखो कभी भी नेहरू जी की बात करते हैं तो भाखड़ा जंगल और हीराकुड डैम और IIT और IIM, ये 3-4 चीजों की बात करते हैं। मेरा ये कि ये तो उनकी जो सबसे एवरेज अचीवमेंट्स थी वो थी। और ये केवल नेहरू नहीं थे, ये एक तरीके से एक सोशल डेमोक्रेट गवर्नमेंट थी जो समझ लीजिए इंडियन नेशनल मूवमेंट की वैल्यूज को लेकर निकल कर आई थी। और जैसे ये लोग तपे थे 100 साल आजादी के लिए, इसलिए तपे थे 100 साल एक विचारधारा को बनाने के लिए जिससे देश बना। और ठीक है उसमें कुछ सही कदम हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, क्योंकि उस समय के परिप्रेक्ष्य में, उस समय आजादी से हम निकल कर आए थे एक बिल्कुल कॉलोनियल, मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए 200-250 साल के कॉलोनियल अनुभव से निकल, कॉलोनियल फ्यूडल लेगेसी, हाँ फ्यूडल लेगेसी, सॉवरेनिटी का एक आइडिया था, फ्यूडलिज्म का एक आइडिया था, कास्ट का एक आइडिया था, इनइक्विटी का एक आइडिया था, और उसमें कई दुनिया के प्रभाव हमारे पे आ रहे थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स का अलग था, आप समझ लीजिए 40% हिंदुस्तान तो जानता ही नहीं था शासक प्रशासन क्या होता है, वो तो रजवाड़ों के अंदर जीता था, वो हमेशा से समझता था कि कोई ईश्वर आकर उनके ऊपर किसी को सत्ता थमा जाता, उनकी तो कहीं उसमें रोल ही नहीं था। डेमोक्रेसी तो आज भी हम लोग मानते हैं कि उस तरीके से परिपक्व नहीं, तब तो शायद बिल्कुल ही नहीं थी, ठीक है, और जाति जो मेरे ख्याल से दुनिया की मेरे हिसाब से तो शायद जाति से बड़ी कोई प्रथा ही नहीं है जो जिस तरीके से समाज को डिवाइड करती है और उसको जिस फोर्स से डिवाइड करती है, जातिगत प्रथाएं हमारी तरफ हर तरफ ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, वो तो दुनिया में उस तरीके की मतलब एक समझ लीजिए ऑलमोस्ट क्रांतिकारी इलेक्ट्रिकल फोर्स तो कोई दूसरे समाज की डिवीजन रही भी नहीं है, उसके ऊपर कर करके इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, मतलब एक टफ लीगेसी के साथ, ठीक है, उसमें कितना सक्सीड किया नहीं सक्सीड किया वो भी चर्चा का बात है, और अगर पूरी तरह नहीं सक्सीड किए तो उसमें हम सब भी उतने दोषी हैं जितने हमारे पूर्वज दोषी थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन चीजों को संभव कांग्रेस पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा हूं भूल गई, लेकिन उसने खुद से सीखा नहीं, और ये जो है ना इससे क्या हुआ कि जब आप अपनी बात नहीं कर पाए,
भाई अगर मैंने कभी किशोर कुमार को नहीं सुना तो मैं ये समझूंगा कि आज के गवैये ही सबसे बेहतर, ये मैं नहीं कह रहा आज के गवैये अच्छे हैं या बुरे हैं। तब कोई अगर किशोर कुमार का एक बुरा गाया हुआ गाना मुझे सुना दे, उसके भी कई गीत थे जो नहीं पसंद है मुझे, जिनके लिरिक्स है जिनके साउंड बहुत अच्छे नहीं थे, वो सुनता हूं तो कहता यार ये तो ऐसे ही है। तो ये धरोहर जब हमारी थी इसकी हम लोग बात क्यों नहीं करते? अभी दो चीजें जिससे मैंने बात की, सिंपल चीज है, मैंने एक दिन आंकड़ा देख के मैं तो हैरान रह गया, जमींदारी के बाद ऑलमोस्ट 7 करोड़ पेजेंट्स लिबरेट हुए थे, ठीक है, उस समय 35 करोड़ हमारी आबादी थी, 7 करोड़ अगर आप पेजेंट्स मान 20% 20-30% आप मान लीजिए ना, छोटा है क्या? ठीक है उसमें प्रॉब्लम्स थे, उसमें धीरे धीरे बना, अच्छा बुरा मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने बात एक्शन तो एक हुआ, एक्शन तो एक हुआ, ऐसे करके कई एक्शन थे, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। तो अगर खुद ही हम अपनी बात नहीं करेंगे और हम एक तरीके से अपनी बात करते करते थके थके दिखेंगे, है ना, एग्रेसिवली उसको रखना पड़ेगा। वो दूसरी एक और चीज हुई, क्या हुआ कि 91, 92, 93 में जब आर्थिक नीतियां बदली और ये आर्थिक नीतियां बदलने के कगार पे थी, ये 70 के दशक में बदल जाती है, लेकिन 70 का दशक राजनीतिक रूप से एक कोलाहल का दशक था, कोई भी नेता होता उसमें कुछ नहीं कर पाता, मतलब वो तो दिन भर आदमी सड़क पे घूम रहा था, पत्थर फेंक रहा था, बसें जल रही थी, जगह जगह मूवमेंट्स हो रहे थे, तो 70 का तरीके से तो एक तरीके 70 की राजनीति ने उसकी नीतियों को पूरा खा लिया 70 के दशक में। 80s आई 80s में शुरू में खराब में तो लिबरलाइजेशन शुरू हुई, उसको थोड़ा सा राजीव जी ने आगे बढ़ाया, लेकिन फिर बोफर्स आ गई तो 86-87 के बाद तो एक तरीके से नीति बनी थी, तो जो भी कारण है 91-92 में बनी। मेरा ये मुझे ये लगा कि जब 91-92 में ये नई नीतियां बनी तो ये किस आधारशिला पे बनी? आज हमारा हिंदुस्तान, हम साउथ अमरीका जैसे बास्केट केस क्यों नहीं बन गए थे, या बनाना रिपब्लिक्स क्यों नहीं बन गए थे, या साउथ ईस्ट एशिया जैसी डिक्टेटरशिप्स क्यों नहीं बन गए थे? भाई दुनिया में एक ही उदाहरण है हिंदुस्तान जहां फुल डेमोक्रेसी के साथ साथ औद्योगिक क्रांति हुई, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज ऑलवेज प्रीसीडेड डेमोक्रेसी, कहीं भी अग्रेरियन से डेमोक्रेसी आई, फिर दुनिया में और कोई उदाहरण ही नहीं है। तो इतना, और इसमें सबका योगदान है, केवल नेहरू जी का या उनका नहीं है, अगर तमाम राज्यों में अलग अलग सरकारों ने नहीं किया होता, अलग अलग दलों ने अपनी बातें नहीं की होती, नई तरीके के सोच विचार नहीं आए होते, तो ये सब एक साथ थोड़ी होता, लेकिन एक तरीके से इसको अनलीश किया उस समय की इनिशियल लीडरशिप ने, वो स्पेस दी सबको सामने आने के लिए। तो ये जब इन चीजों को ही नहीं समझते हैं तो ये किसी और को क्या समझाएंगे? आज भी मैं आपको बताता हूं प्रोफेसर साहब, बड़ी अजीब बात ही है, जानने नहीं जाते। अच्छा अब जैसे कभी कभी कांग्रेस के लोगों में चर्चा करे, यार पुरानी बात है, पुरानी बात होगी तो पुरानी बात से फिर पिट क्यों रहे हो? सब सवाल पूछते 70 साल कुछ नहीं किया, और 70 साल कुछ नहीं किया कांग्रेस को पीछे हटने का सबसे बड़ा रीजन है आजकल। आजकल 90% बच्चे समझते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, इसलिए आज के जो नए दल है ये बेहतर दल है, ये बात तो आप भी मानते हो। यही इसीलिए मैंने सवाल किया कि जब कांग्रेस ही नहीं समझती है, कहने को तो वो कह देते हैं कि यार इन्होंने 70 साल में कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे कहते हैं कि लड़ने के लिए हथियार ले लो, हथियार लेने के लिए तैयार नहीं है, डेटा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, वो तो हमारे जैसे लोग अभी समीक्षा कर रहे हैं, जैसे बाबा साहब और जवाहरलाल नेहरू में वैचारिक मतभेद थे जी, लेकिन दोनों एक मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे 100%, है ना, डेमोक्रेटिक सेकुलर मॉडर्न इंडिया 100%, और जवाहरलाल नेहरू को थैंक यू भी बोलते थे, और उन्होंने कहा है कि भाई जवाहरलाल नेहरू बहुत ईमानदार आदमी है, गांधी से भी डिफरेंसेस होते थे लेकिन कुछ बातों पर सहमति भी होती थी, दोनों सहमत है कि मॉडर्न इंडिया बनाना है। देखिए राइट विंगर जो है ना अंबेडकर को ऑप्ट करती है, गांधी को सेलेक्टिवली ऑप्ट करती है, और नेहरू पे अटैक करती है, बाबा साहब को भी सेलेक्टिवली ऑप्ट करती है, सेलेक्टिवली करती है, और नेहरू पे अटैक करती है। मेरा वही समझना है कि नेहरू बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद लंबे समय तक नेहरू जी रहे प्राइम मिनिस्टर, और पब्लिक इंस्टीट्यूशन सब उस समय बने जिसमें दलितों को ट्राइबल्स को उस समय रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इंदिरा गांधी को अपना पद गवाना पड़ा जब बैंक का नेशनलाइजेशन, प्रीवी काउंसिल, जमींदारी, ये सब आया, सब लोग खिलाफ पड़ गए, खिलाफ पड़ गए कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस का स्प्लिट ही उस कारण से हुआ 67-68, जगजीवन बाबू उस समय आए, इंदिरा गांधी का एक अपना सोशलिज्म का था मसला, जगजीवन बाबू स्टालवर्ट दलित नेता थे जो लाखों नौकरियां उनमें दी, लिबरलाइजेशन की आपने बात की, लिबरलाइजेशन आया लेकिन वो सिलेक्टेड लिबरलाइजेशन था, और उसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट भी आ रहा था, लिबरलाइजेशन भी आ रहा था, और एक एक्सपेरिमेंट हुआ मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह ने उस समय भोपाल डॉक्यूमेंट जारी किया था, हाँ मैं था उस प्रोग्राम में। अच्छा, क्या ये जो आपका ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है, दलित, ट्राइबल्स,
ये ट्रेडिशनल मानते हैं, ये सारी उपलब्धियां जो समाज को मिली, क्या कांग्रेस एज ए पार्टी वहां कम्युनिकेट नहीं कर पाए? देखिए, एक तो दिक्कत क्या है कि हमने इन ये जो जितनी रिलेशनशिप्स थी जी, देखिए ठीक है 50s 60s एक अलग समय, हाँ, लेकिन 70s 80s में जब अलग अलग कम्युनिटी अपनी अलग अलग लीडरशिप को और अपने हितों में अलग अलग लोगों को काम करने वालों की पहचान एक तरीके से आइडेंटिटी का एक इशू बना, और जब वो अवेयरनेस बढ़ी और एक तरीके से जब कहते हैं ना उसकी 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 चेतना बढ़ी लोगों में, तो आपको उस डिबेट में रहना चाहिए, रहना चाहिए था ना। हाँ भाई, क्या अम्बेडकर सिर्फ काशीराम जी के थे क्या? आपके मेरे नहीं थे? वही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस नहीं क्लेम कर रही, वही मैं कह रहा हूँ हुआ कि देखिए कांग्रेस भी इन चीजों में फंसती चली गई। क्या हुआ कि ठीक है भाई, सीधी बात है, बाबा साहब एक पार्टी से आए थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरी पार्टी से थे, लेकिन क्या जब 3 या 4 या 5 साल ये लोग संविधान बना रहे थे, क्या लोग एक दूसरे से झगड़ रहे थे? लोग चाय भी पी रहे होंगे, आदमी मिल रहे होंगे। याद होगा कि कांग्रेस की कमिटीज में सारे के सारी चीजें डिस्कस होती थी, फिर इंटरनल डिस्कस होती थी, फिर पार्लियामेंट में जाती थी, और पार्लियामेंट में कोई वोटिंग थोड़ी होती थी, कोई चीज होती थी फिर अलग कमिटी में बैठ जाते थे, उसको दोबारा से ड्राफ्ट कर लेते थे, और ऑलमोस्ट सारे रेजोल्यूशन यूनानिमसली अडॉप्ट हुए। हाँ, बीच बीच में कुछ लोग अपनी बात कह देते थे, कभी कभी वो भी अडॉप्ट हो जाता था जी। कई बार मैंने देखा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को सुने तो बाबा साहब कहते थे ठीक है इसका मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ, एग्री टुवर्ड द मेजोरिटी से। कई बार लोग कहते थे नहीं, बाबा साहब ने जो ये बात की है, ये अभी जो आर्टिकल है उसको हम चेंज करके इस तरीके से कर देंगे। कितनी बार हुआ है? वो इसलिए था कि ये सबके सब एक तरीके से बड़ी विभूतियां थे भाई। लेकिन हमने, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, या उस पर मैं राजनीतिक रूप से बात कर रहा हूं, अदरवाइज नहीं, उनको नहीं ब्लेम कर रहा जिसने किसी की लेगेसी क्लेम की। राजनीति है, हर आदमी किसी न किसी लेगेसी को क्लेम करता है और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ता है, लेकिन हमने उन चीजों को क्यों छोड़ दिया भाई? उस डिबेट में हम पड़े क्यों नहीं? अगर जब बांसर बनी या उसके बाद काशीराम जी आगे एक्टिव हुए तो कांग्रेस बैकफुट पे क्यों चली गई? विमर्श को आगे बढ़ाना चाहिए। या तो जेन्युइनली हम लोगों ने अहित किया दलित समाज का, मैं मानता हूं अगर हमने अहित किया ठीक है, या हमने सच्ची में हम एंटी दलित थे, और अगर नहीं थे, जो मेरा विश्वास है 100% नहीं थे, हजारों कांग्रेसियों का है, तो फिर आप किस बात से रिलक्टेंट थे? क्यों नहीं गए उसमें भाई? चलो एक बार पार्टी बन गई, सक्सीड कर गई, तब आप हो सकता थोड़ा सा बैकफुट में चले जाए। उस समय में मुझे याद है ये 81 में शायद पहला चुनाव 82-83 में लड़ा गया था ना, वो जो जिसमें मीरा कुमार जी जीत कर आई हैं, जहां काशीराम जी 80 या 85 हजार वोट लेकर आए थे, वो शायद 84 में, हाँ, कोई बाय इलेक्शन, हाँ। एक तरीके से पहली बार एक इलेक्टोरल प्रेजेंस आई थी, हाँ। तब तो याद आता, मुझे याद है 79-80 में मैं दिल्ली में स्कूल में पढ़ा करता था, और बाराखंबा रोड में मेरा स्कूल था, तो कई बार हम लोग डीटीसी की बस पकड़ने आते थे, तो जहां स्कूल था उससे इधर, तो वहां वो सब लिखा रहता था, वो डीएस4। मैं तो तब देखता था 79-80 में, मैंने मन में घूमता था, मेरे दादाजी से मैंने एक दो बार कहा कि बाबा ये डीएस4 आ रही है, और दलित शोषित संघर्ष समिति ऐसे करके नाम था, तो मेरे से, मैं तो बच्चा था 9th-10th में था, मेरे अंदर आ रहा था कि ये एक बिल्डिंग पॉलिटिकल फोर्स है, ठीक है। तो मुझ जैसे समझ लीजिए नॉन पॉलिटिकल बच्चे को जब लग रहा था कि एक बिल्डिंग पॉलिटिकल फोर्स है, तो कांग्रेस पार्टी उसमें पीछे क्यों हट गई भाई? जहां भी थी, मेरा ये कि आप कोई डिबेट में अगर नहीं जाएंगे, अगर मंच में आप एक्टर नहीं है, तो दूसरे एक्टर जो मन में आए करेंगे, आप अपने नाटक करिए, आप अपनी बातें कहिए, और क्योंकि आपके पास है लेगेसी में कहने को, जैसे आपने, ठीक है हो सकता है दूसरा कहे कि उससे 4 गलतियां हुई, भाई हम ही तो सत्ता में थे तो गलती हम ही से होगी, उनसे थोड़ी होगी, है ना, ये आपके ट्रंप से थोड़ी होगी हिंदुस्तान में गलती, वो तो यहाँ का था ही नहीं भाई, बीजेपी क्या गलती करेगी? तो उस समय बेलचे कांड हुआ था, इंदिरा जी हाथी पे चढ़ के गई वहां पर, हाथी पे चढ़ के गई थी ना, ठीक है। देखिए एक बात भी मानेंगे कि कांग्रेस एक समय में ज्यादातर जिसको कहते हैं अपर कास्ट प्रधान लोगों का एक तरीके से उसमें वर्चस्व था, पर वो लेगेसी थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, और 15-20 भाई जिन लोगों ने उस समय लड़ाई लड़ी उसके बाद सत्ता में आए, तो रहेंगे, और सत्ता का एक अपना अच्छा कैरेक्टर होता है, और एक लालच होता है कि मैं रहूंगा मेरे आगे लोग रहेंगे। लेकिन जब कैरेक्टर उसका धीरे धीरे बदलने की कोशिश आई, तब मुझे ये लगता है कि 70s और 80s में जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, मैं सिर्फ बड़ी लीडरशिप पर नहीं सवाल उठाऊंगा, बहुत आसान होता है, हम लोग आजकल वो बहुत ज्यादा हीरो वर्शिप करते हैं, तो एक व्यक्ति को देखते हैं, संगठन में बाकी बहुत से लोग थे, जैसे क्यों हम लोग साउथ में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि साउथ के लीडर ये चेंज पढ़ रहे थे। वहां कोई नहीं कहता कि कांग्रेस ओबीसी की पार्टी नहीं है, क्यों नहीं कहता भाई? क्योंकि ओबीसी
एक तरीके से कांग्रेस की लीडरशिप उनमें से निकल कर रही। कर्नाटक ले लो, ठीक, आंध्रा तमिलनाडु का तो दूसरा कारण, और आंध्रा में हम डाउन हुए अभी ये स्प्लिट, ये स्प्लिट के बाद। अदरवाइज चाहे केरला ले लो, आंध्रा ले लो, कर्नाटक ले लो, महाराष्ट्र भी ले लो, यहाँ हम लोग उतनी ही अपर कास्ट की पार्टी है जितने ओबीसी की पार्टी है, बल्कि महाराष्ट्र में तो अपर कास्ट हमें पसंद भी नहीं करते। तो जब इन स्टेट्स में हम अपनी लीडरशिप बदल सके, अपना कैरेक्टर बदल सके, अपनी पार्टी हिंदी बेल्ट में प्रॉब्लम क्यों, हिंदी बेल्ट में प्रॉब्लम क्यों आई भाई? मैं, मुझे याद है अर्जुन सिंह जब एचआरडी मिनिस्टर थे तो हम लोग जाते थे मिलने, और नाइस मैन, और हम लोग बातचीत करते थे। ओबीसी टू उसी समय आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। यूनिवर्सिटी वाला जो है, उनका एक बड़ा प्रभावी भाषण जो था, हाँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो सुना भी था। और मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी में जो कि डायरेक्ट ओबीसी कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर रहा था, उसको भी हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए। बोथ, देखिए इसमें मैं और मैं जान के शेड्यूल कास्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, दलित नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए सिर्फ ओबीसी टू, बिकॉज दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स, अदरवाइज मेरे को कोई मैं अदरवाइज कोई नॉमेनक्लेचर नहीं यूज कर रहा हूँ। इन दोनों में ही हम लोग डिबेट में नहीं, एक तो पार्टिसिपेशन में नहीं लाए, ठीक है, दूसरा क्या कि उस डिबेट में नहीं गए, नहीं गए ना भाई, ठीक है। पहली चीज, अगर हम लोगों ने मंडल डिले किया था तो क्यों किया था, विमर्श होना चाहिए, उसमें विमर्श होता, ऐसी कोई बात नहीं थी, कभी एंटी तो नहीं थे। देख, सीधी बात है, कांग्रेस पार्टी ऑफ गवर्नेंस है, तो वो जो पार्टी अपनी जगह होती है वो धीरे से चेंज करती है, दूसरे लोग ज्यादा तरीके से, का भी अपना हिसाब किताब होता है, जो भी है, जो भी है यार, आप तो रेस में तो रहिए ना, उस रेस से आप बाहर हो जाओगे तो फिर तो लोग दूसरे के लिए ताली बजाएंगे। ये मैंने कहा, ये जो हमारे यहाँ अर्जुन सिंह जी जैसे नेता थे, जैसे आपने भोपाल डिक्लेरेशन की बात जी, ठीक है, अब भोपाल डिक्लेरेशन में, ठीक है, भोपाल डिक्लेरेशन में टाइमिंग का इशू मान सकते हैं, कोई इतना बड़ा बदलाव जिसमें आप जमीनें लेकर एक समाज को दें और धीरे धीरे एक हमारे यहाँ कास्ट लेके प्रेजुडिसेस तो है ही सब में, खासकर अगर आप जितना यू नो आप अगर शेड्यूल कास्ट को उनको कुछ करेंगे तो बाकियों में थोड़ा बहुत होता है हिंदुस्तान में, चलिए वो तो सकते, मे बी अगर वही चीज वो 2 साल पहले करते तो एक जो होती है ना कि धीरे धीरे उसको वो सॉलो ज्यादा अच्छे से हो जाती, चलो उसको छोड़ दो। लेकिन भोपाल डिक्लेरेशन जब हो गया तो कम से कम जिन लोगों के हित में हो रहा है उनसे तो आप बात करते हैं, हमें तो वो वोट भी नहीं मिला। ये प्रिसाइजली यही सवाल है कि चलो ऐसा अपर कास्ट खिलाफ थे, कुछ ओबीसी खिलाफ थे, जिनकी जमीनें गई, जो काबिज थे, जिन्होंने गलत काम कर रखे थे, एनक्रोच कर रखी थी सरकारी जमीनें, वो खिलाफ हुए, जिनको देना था उनसे तो उनका तो नहीं मिला, कम से कम सहानुभूति मिलती, वोट ना भी मिलता तो। आज भी अगर आप दलित समाज समुदायों से बात करेंगे मध्य प्रदेश में तो 60-70% नहीं जानते कि भोपाल डिक्लेरेशन में क्या क्या मिलना था। हम लोगों ने अभी चिंता किया, फिर आपने किया नहीं, अभी पूरे दस्तावेज को लेकर मैंने, चंद्रवान जी ने कई एपिसोड बनाए इस पे कि कम से कम लोग सुने भोपाल 20 साल लोग भूल गए। और ऐसा था क्या भोपाल डिक्लेरेशन में कि कोई उसमें कंट्रोवर्सी हो? कुछ नहीं था। लेकिन देखो साहब, अगर आप अपनी बात नहीं बेचोगे, हाँ, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, प्रोपेगेंडा नहीं होगा जो कर रहे हैं। 15 दुकानें समोसा लेके बैठी हैं, हाँ। सब चिल्ला रहे समोसा समोसा, आप बोल ही नहीं रहे हो तो कोई क्यों आएगा आपके पास? जाहिर है ना, आप समझो ना, आप हमें तो दुकानें पता नहीं, हम तो दुकान में घूम रहे, जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, सबसे अच्छी टी शर्ट बाहर टांगता है, सबसे अच्छी लाइट वाइट लगाता है, आदमी वही जाता है सबसे पहले। तो आप अपने आप, आपके पास इतना अच्छा सवाल, अब कांग्रेस पार्टी इस पे चिंतन कर रही है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, मुझे लगता है अभी भी नहीं। देखिए, मैं एक आपको एक छोटी सी एक वाक्या बताता हूँ जो मेरे हिसाब से कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है, और ये मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली में आपको याद होगा एक नेता होते थे रामबाबू शर्मा, वो कॉर्पोरेटर लेवल के नेता थे, भगत जी की ट्रेडिशन के जी, एसकेएल भगत साहब, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में विधायक थे, मेरी मदर से उनकी बहुत बनती नहीं थी, और शायद उनको प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया था कि मैं सीएम को चेक में रखे, बैलेंस। हमारे पार्टी में दिक्कत होती है कि हम सीएम को चेक में रखना चाहते हैं, हम सरकार को चेक करने लगते हैं, तो होता क्या है कि सरकारें जो है ना, उसके सबसे बड़े ऑपरेशन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्यादातर हुआ करते थे। खैर, एक बार उन्होंने ये बताया कि भगत जी ने उनको एक चीज समझाई कि बेटा राजनीति छोड़ दो, पार्टी कैप्चर कर लो, पार्टी को जब सत्ता मिलेगी तब तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। तो ये जो एक बेसिक ट्रेनिंग थी ना उस लेवल के कांग्रेसियों की कि सारी पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर करो, आज मैंने देखा है कि कांग्रेस वोटर को किस तरीके से नए वोटर को अपने साथ जोड़ना है वो कला ही भूल गई है, क्योंकि उस कला में वो कभी रही नहीं, उस गेम में हमने कभी T20 खेला ही नहीं, हम टेस्ट ही खेले जा रहे हैं।
तो लंबे समय में सत्ता में रहे इसकी वजह हो सकती है, और पॉलिटिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप। दूसरा 70s क्या था कि 70s और 80s में हमारे पास अपर लेवल पे कमाल के नेता थे। हाँ, ऐसे सारे लेजेंडरी लोग थे। पांच-पांच दो-दो लाख की भीड़ तो ऐसे ही आ जाती थी, बिना व्हाट्सएप के लोग जानते थे कि उन्होंने क्या कहा है। तो उस समय क्या था कि भाई फिर क्या हुआ, इन्होंने जो एक कई बार कांग्रेस में कहा जाता है कि कांग्रेस ने एक फ्यूडल कैरेक्टर आ गया सत्ता में रहने की वजह से। हाँ, जो फ्यूडल कैरेक्टर कांग्रेस का है, और वो है, वो हमारी बहुत बड़ी दिक्कत है। वो फ्यूडल कैरेक्टर आप जानते हैं, वैसल और उसका जो होता है मैनर हाउस का, जो पेट्रनेज पर बेस्ड होता है ना, तो उसमें भक्ति भी है। सत्ता तो मैनर हाउस के पास है, उसने बाकी नीचे जो फौजें इकट्ठा की वो पेट्रनेज पे की। तो आइडियोलॉजी वर्कशॉप, नीचे वाला क्या हुआ, हमारे जितने लोग थे वो इनवर्ड लुकिंग हो गए। इसलिए हम लोग किसी के नेता के जन्मदिन पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा करते हैं, मुद्दों की ट्रेनिंग में 5% नहीं आता है। अगर आप आज वर्कशॉप करें और आप समझ लीजिए बाहर किसी बड़े नेता का जन्मदिन मनाए तो 500 कांग्रेसी आ जाएगा। अगर आप कहें कि 2 घंटे हम नेहरू जी के बारे में बताएंगे, 5 नहीं बैठेगा। वोट इस 5 से मिलेगा, उससे नहीं मिलता है वोट। ये जो एक कैरेक्टर आ गया ना, जहां हम कोर पॉलिटिकल वर्क, जो पब्लिक का पॉलिटिकल वर्क है, मोबिलाइजेशन का, उसमें चेतना डालने का, अपने प्रोपेगेंडा को बताने का, दूसरे के सच को झूठ बताने का, और अपने सच को सच और अपने अर्ध सत्य को भी सच बताने का जो तरीके होते हैं, वो कला ही नहीं रही है। कला इसलिए नहीं रही क्योंकि हमने किया ही नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। हम अच्छे वक्ता को वोट नहीं देते हैं, अच्छे भक्त को वोट को सीट देते हैं। तो भक्त होता है वक्ता। चलिए अब आते हैं थोड़ा वर्तमान पे बात करते हैं, और मैं थोड़ा अम्बेडकर नामा जब से चला है। अच्छा, वर्तमान में आगे इसमें ज्यादा लंबा रहता तो मैं भी वर्तमान नहीं रहता मेरा कुछ पार्टी में नहीं, तो उसमें जो है मैंने बहुत सारा सीखा उसमें से, और मेरे जहन में कई सवाल सब उठते रहे जो मैंने आपसे पूछा कि जगजीवन बाबू आपके थे, अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी ने कौन से मिलाया, जवाहरलाल नेहरू ने काम किया, इंदिरा गांधी ने काम किया, राजीव गांधी जवाहर नवोदय विद्यालय बना रहे थे उस समय और इग्नू खोल रहे थे, ये सब क्लेम नहीं हो रहा है, और इसको डिस्ट्रॉय करने में राइट विंगर्स अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लेकिन तब भी मोदी साहब जो है ना, मुझे लगता है नेहरू जी का ही नकल करते हैं, ड्रेस व्रेस में थोड़ा सा कुछ कुछ डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, नकल भी कर रहे हैं। केजरीवाल बात करते हैं शिक्षा की, अरे ये शिक्षा तो जवाहर नवोदय विद्यालय ने दिखा दी थी हिंदुस्तान को कैसे होती है, इनका क्या मॉडल है क्या नहीं, अलग नहीं। लेकिन जहां आपने बात की मोदी, यानी मोदी में एक कला तो है कि इसने भले किसी भी नेता को पब्लिक में ये कुछ भी गरियाते हो, कुछ भी करते हो, इन्होंने हर नेता से सीखने की कोशिश की। लोगों ने मुझे बताया कि स्टूडेंट बहुत अच्छा है पॉलिटिक्स का। इसने इंदिरा जी से स्टाइल सीखे हैं, इसने गांधी जी से स्टाइल सीखे हैं, इसने ये अन्ना हजारे से स्टाइल सीखा है, इसने नेहरू जी से स्टाइल सीखा है। कॉपीराइट अपना लगा दिया। हां, कॉपीराइट अपना लगा। देखिए वो ठीक है, वो किसी की भी कला, और उसमें मैं इनको मानता हूं, अच्छी बात है। हां, अच्छी बात है, आदमी अपने लिए क्या कर रहा है करे, वो दूसरी बात है कि उन्होंने काम क्या किए वो नहीं सिखाई किसी से, है ना। पर चलिए वो अलग बात है। लेकिन ड्रेस कब कैसे यूज करनी, अब जैसे फोक डांसर्स के बीच में जाके कैसे ड्रेसअप करना, ये तो नेहरू जी का ट्रेडमार्क था। वही वही इंदिरा जी का, हिंदुस्तान में जहां तभी इतनी फोटो नहीं थी इसलिए दिखता नहीं था। नेहरू जी का तो फेमस था, जहां जाते थे उस फोक ग्रुप के साथ डांस करने लगते थे, लोगों के साथ बैठ के खाना खाने लगते थे, रिमोट, तब तो रिमोट था, आज का रिमोट कम्युनिकेशन भी उतना नहीं था। तब तो मेरे ख्याल से अगर आप जिन गाँव में नेहरू जी की तस्वीरें आती, 2-2 दिन लगते होंगे वहां पहुंचने में। आज हम और आप बिना साधन संसाधन के वहां 1 दिन में पहुंच जाए, प्रधानमंत्री तो हेलीकॉप्टर से पहुंच जाएगा। 15 मिनट गए, 5 मिनट फोटो खिंचाई, लौट के आ गए, दिन में ऐसी 10 फोटो कर ली। तो ये इनकी जो ये कला, मैंने कहा कि बहुत सारा, एक दिक्कत जो मुझे पीएम में दिखती है, एक तो पॉलिटिकल गोल्स छोड़ के और जो एक चकाचौंध वाली गोल्स छोड़ के, यू नो, डेवलपमेंट की परिभाषा विस्तृत क्या है उसकी इनको समझ नहीं है। उसमें माइक्रो माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लीगल और लॉन्ग टर्म जो ह्यूमैनिटी के और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के जो गोल्स होते हैं उसकी समझ नहीं है, और इस कारण से ये कुछ चीजें तो करते रहते हैं कि वो तो मोमेंटम है भारत सरकार का, भाई 15 किलोमीटर सड़क बन रही थी अब 25 बनेगी, 25 बन रही थी अब 40 बनेगी, 40 बन रही थी अब 50 बनेगी, वो तो रूटीन काम है, वो तो रूटीन चलता रहेगा, रूटीन काम। और देश एक बार ग्रोथ पाथ पे आ गया है तो 5-6-7 पे, हाँ फिर तो अब लड़ाई होती है 6.5-7, ये ठीक है अखबार वाले बहुत उछाल देते हैं लेकिन इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है।
लेकिन उसके अलावा जो जहां हम जिसको कहा जाता है ना, जहां अभी भी समाज में हमारी अर्थव्यवस्था में दरारें हैं, गरीबी के कारण जहां दरारें हैं बढ़ रही हैं और कहीं बढ़ रही हैं, कहीं बिल्कुल ही समझ लीजिए एक तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि जो ट्रांजिशनल पॉवर्टी होती है और एक होती है जो परमानेंट होती है, जो बिल्कुल ही नहीं हटती है, उसमें जो लोग जा रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो रही, इसको ये नहीं है कि ये शायद उसको संभालना नहीं चाहते, समझ ही नहीं है, वो समझते नहीं है कि ये दिक्कत क्या है। और जब आदमी के पास समझना हो, जब आप किसी समस्या को समस्या ना माने, उसको समाधान आप कहां से लाएंगे। और ये जो कहते हैं साहब 24 आवर पॉलिटिक्स करता है, वो खतरनाक है। आपको 4 घंटे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, 20 घंटे विकास करना चाहिए। प्रधानमंत्री बनके यू डोंट नीड अ 24 आवर पॉलिटिशियन, वो आपका प्रदेश का वो प्रेसिडेंट तो है पार्टी का, आपके वर्कर तो है 24 आवर पॉलिटिक्स करने के लिए। सो रादर देन वही मुझे लगता है कि एक जो और इनका मौका था, देखिए इन्होंने एक विश्वास लोगों में पाया था, ठीक है, आज भी भाई जो आदमी ये कह दे, अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान को कह दे कि थाली बजाओ और ओम की आवाज आएगी और वायरस मर जाएगा, जो आदमी ये पढ़ सकता है और 6ठी से लेके 12वीं के बीच में जितनी बायोलॉजी पढ़ी थी उसको एक थाली के घंटे में भूल सकता है, जिस आदमी में इतनी शक्ति है, वो बड़े चेंज करवा सकता था, लेकिन गलत डायरेक्शन में गया उसको, किसी डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में नहीं। इनका जो सांप्रदायिक वाला बात है वो तो है, लेकिन अदरवाइज किसी डायरेक्शन में आप ले ही नहीं गए ना, खाली थाली पिटवा दे अपनी पॉलिटिक्स और अपना एक एक जो चकाचौंध है। चलिए सर आते हैं, रमला थावर की किताब है अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, उसमें एक हिस्टोरियन है कर्ण को उन्होंने कोट किया है अशोका के बारे में कि मॉन्क इन ए किंग्स गार्ब, आपने भी पढ़ा होगा एमएम कि राजा मतलब राजा के रूप में जो है ना भिक्षु है अशोक के बारे में। राहुल गांधी 15 साल से ज्यादा से एमपी हैं, उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। मैं मिला भी हूँ 2 बार भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और बातचीत के लहजे तरीके में बहुत फर्क आया है, और एज ए इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन अभी कैम्ब्रिज का भी भाषण हमने सुना था। इनके इवोल्यूशन को आप कैसे असेस कर रहे हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी 2 दिक्कतें हैं, एक तो हेजिटेंट है, आप भी मिले होंगे तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि इनको कई चीजों बेसिक चीजों की समझ नहीं है, वो तो बहुत क्लियरली क्लियर है, वो इज अ ब्राइट पर्सन। और ऐसा आदमी जिसकी पब्लिक इमेज कुछ हो रियलिटी कुछ हो, इतना अंतर मैंने किसी दूसरी पर्सनालिटी के साथ नहीं देखा, ठीक है, ये बात मैंने नोट की है। ये तो कोई भी जो उनको पर्सनली मिलता है कहते यार ये तो जो पब्लिक इमेज उससे बिल्कुल अलग व्यक्ति है, और वो राहुल जी में है। एंड राहुल जी व्हेन यू मीट देम बहुत सीधी बात है, एक ब्राइट, एक बात करने वाला, एक ह्यूमन, एक इंटरैक्टिव आदमी बन के निकलता है, आपसे ऐसे बात करेगा जैसे आपका मित्र हो, और उसमें हैंग और ये सब कुछ नहीं, वो तो कभी नहीं दिखता उनसे बातचीत करने में, ठीक है। तो एक तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी ग्रोथ को हेजिटेंट रखा है, कहीं ये रिलक्टेंट है, एक होता ना कि बस लेट छोड़ो सब कुछ यार, अब सब चीजें छोड़ के बाहर निकलो, या मुझे लगता है कि यूपीए के 10 साल में, और ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे लगता है इनको लगा कि मैं एक ड्यूअल पावर सेंटर बन जाऊंगा, या मतलब या तीसरा पावर सेंटर बन जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर दूंगा, प्रधानमंत्री को दिक्कत होने लगेगी, सोनिया जी को शायद दिक्कत, और मुझे लगता है मेरी तो मुझे लगता है उसमें ये हेजिटेशन इनमें कहीं ना कहीं आया, ओके। और क्योंकि कई विषयों पे, क्योंकि हम लोग भी इनसे चर्चा करते थे, कई विषयों पे ये सरकार से इत्तफाक नहीं रखते, तो कोई भी व्यक्ति होता है, जरूरी थोड़ी कि सरकार की हर पॉलिसी हम माने, हम सब व्यक्ति भी हैं और संगठन का भी हिस्सा है। और मैंने देखा कई चीजों में, जैसे हम लोग ये सवाल पूछते थे, ये हम क्यों इन ऑपोजिशन नहीं, बट एज ए क्यूरियस पर्सन, एज ए पर्सन हु आस्क्स क्वेश्चन, जिसके अंदर में जिज्ञासा होती है जानने की, हम सभी करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि ये अपने आप को इन्होंने रोका, जबकि वो मुझे लगता है गलत रीडिंग इसलिए है क्योंकि अलग अलग पावर सेंटर होने के कारण जरूरी नहीं है कि पार्टी टूटे, कभी कभी पार्टी को उससे शक्ति मिलती है, क्योंकि फिर आप बड़े पटल पर अपनी बात रख पाते हैं जी। और जब अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विचार आते हैं तो बेहतर विमर्श बन के निकलता है, एक ये मुझे लगा। दूसरा मुझे लगा कि जो एक कभी कभी मुझे लगता है कि राहुल जी में एक शायद वो है कि राहुल जी जिस तरीके से चाहते हैं कि पार्टी उनके साथ चले,
ठीक है, शायद वो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो नहीं बन पा रहा, वो इनके ये रिलक्टेंट है उनको लाने के लिए, पार्टी उस तरीके से अपने आप को मोल्ड नहीं कर पा रही है, उसमें वेस्टर्न इंटरेस्ट है, क्या है उसमें, मैं क्योंकि मैं नहीं कह सकता, मैं आंसर जानता हूं बिकॉज मैं आंसर नहीं जानता, लेकिन जिस देखिए ये मैं नहीं कह रहा कि भाई जो प्रेसिडेंट है वही जो सोचता वही पार्टी करे, वो भी सही नहीं, पार्टी अपने में एक संस्था है, लेकिन कोई भी पार्टी का प्रेसिडेंट एक दिशा देता है, जैसे बीजेपी का रैली पार्टी प्रेसिडेंट तो मोदी है, वही दिशा दे रहा है, पहले की जो बीजेपी थी वो सब भूल गए, वो ग्रुप की पार्टी होती थी और चीजों की होती, अब तो मोदी की पार्टी हो गई, लेकिन राहुल जी ने कभी उसको केवल राहुल जी की पार्टी नहीं बनने दिया, और कभी कभी वो जैसे आपको लगा होगा कभी कभी हताशा में कहते हैं कि मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला, तो वो जो एक है कि खुद शायद आप हेजिटेंट रहे अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से बाहर लाने में, और जिस चीज को देखिए आपको बड़ा क्या करता, आपका संगठन संस्था करती है, एक्टर तभी पता चलता है जब बड़े स्टेज पर एक्ट करे, हीरो तभी पता चलता है जब उसकी कोई फिल्म हिट हो, और वो उसके पीछे डायरेक्टर होता है, म्यूजिक डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, लाइन्समैन होता है, कैमरा वाला होता है, भाई शोले भी तो चार पांच डायलॉग के लिए जानी जाती है ना, तो वो चार पांच डायलॉग तो उन लोगों ने बनाए ना जो आपके पीछे थे, लेकिन शोले में अभी भी वही वीरू, वही जय, वही गब्बर सिंह, लेकिन शायद बनाने वाले तो सैकड़ों थे, तो वो जो हुआ मुझे लगता है वो संगठन को, अब संगठन में कमजोरी है या संगठन उसमें साथ नहीं आ पाया या आपस में ये क्या मुझे मालूम है प्रसाद, सीरियसली मैं नहीं जानता, मैं इतिहास के छात्र होने के नाते जो है मैं अगर असेस करूं, अगर मैं कोशिश करने की कोशिश करूं कि अशोका को जो बैकग्राउंड मिला था पूरा मोर फ्लेक्सिबल हेटरोडॉक्स लार्जर डेमोक्रेटिक, राहुल गांधी को जो एटमोसफेयर मिला है कोई सेक्टेरियन एटमोसफेयर नहीं है, लार्जली फ्लेक्सिबल डेमोक्रेटिक, तरह तरह के लोग हैं, लेकिन राजनीति पेचीदा है, इसमें एक द्वंद है सेंटर टू लेफ्ट, सेंटर टू राइट और सेंटर टू सेंटर, राइट, ये पार्टी के अंदर के जो डायनेमिक्स हैं, जो अंतर्द्वंद हैं, उसका भी परिणाम हो सकता है कि राहुल गांधी बिल्कुल है मूवमेंट से निकले लीडर नहीं रहे, नहीं, नहीं, बिल्कुल ये द्वंद है, और 15-20 साल लगा जो स्टेज पे अब है, अब जो क्लैरिटी मैं देख रहा हूँ, अब क्लैरिटी देख रहा हूँ, पहले के लीडर्स आंदोलन से निकले होते थे ना, अब आंदोलन था ही नहीं उस तरह का, देश आजादी का कोई मतलब नहीं था, जैसे इंदिरा गांधी का शार्पनेस जो था वो जवाहरलाल नेहरू की वजह से, आंदोलन की वजह से था, वो देखा था उन्होंने, तो शायद एक कमी हो सकती कि जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, लेकिन अभी जो भारत जोड़ो यात्रा में मैं शामिल हुआ था दिल्ली में, जो उभर के आए हैं और जो छत्तीसगढ़ में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, मैं समझता हूँ कि वो लैंडमार्क दस्तावेज है और कांग्रेस के इतिहास में लैंडमार्क दस्तावेज है, सोशल रेजोल्यूशन जो पास हुए, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो पास हुए, क्या कांग्रेस या कांग्रेस प्रेसिडेंट या ऊपर के जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं अब उनको ये समझ में आ रहा है कि वो रिफ्लेक्ट दस्तावेज में हो रहा है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि अब लार्जर जो है ना शिफ्ट करने का समय आ गया है पॉलिटिकली सोशल जस्टिस को लेकर, इनको समझ में तो मुझे लगता है धीरे धीरे आ रहा है जी, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो करें कैसे, नहीं उसकी उसमें बहुत बहस भी नहीं हुई, बहस तो हमारे यहाँ का कल्चर ही नहीं है, ये बड़ी दिक्कत, मैं चाहता था कि अम्बेडकर नामा पे लोग बोले, ये देखिए आपको याद होगा 50s और 60s की हम बात बताते हैं, मुझे मेरे दादाजी और लोग भी बताते थे कि सारे 5-year plan पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में डिस्कस होते थे, और कोई गलत बात नहीं थी, ठीक, आजकल वो फोरम कहाँ है भाई, जैसे आप कुछ तो डिस्कस करो उसमें, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, हम लोगों ने एक ये प्रस्ताव किया, छोटी एक एग्जांपल है कि 50% यूथ में हम लोग रिजर्वेशन करेंगे, उसको थोड़ी चर्चा में डाल देते हैं, हाँ चर्चा तो लोग अपने करना तो वही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा है पूरा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कहा कि 50% विल बी रिजर्व फॉर सर्टेन कम्युनिटीज, आप उसको थोड़ा चर्चा में डाल देते हैं, और कहते हैं अच्छा इसको हम कैसे, देखो हर चीज का जो डायनेमिक्स होता है करने का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कानून तो बन गया, आप भी मालूम है कानून बन जाता है जब रूल्स बनते हैं ब्यूरोक्रेसी में, तब कानून जमीन पर आता है, तो इसके रूल्स क्या है, कैसे बनेंगे, कैसे लोगों को आप चिन्हित करेंगे, किस तरीके लोगों को चिन्हित करेंगे, और क्या वर्किंग कमिटी लेवल पर जरूरत है या किसी और लेवल पर जरूरत है, या ये जब छोटी चीजें चर्चा हो जाती तो 10 अनुभवी लोग अपनी बात बताते, उसके बाद आप बात निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं, ये जो है ना कि कुछ चीजों को हम चर्चा, और यहां दिक्कत क्योंकि क्या हो गया, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि जो एक बार कांग्रेस पे काबिज हो जाता है ना वो फिर वहां किसी को नहीं आने देता, ये जो आदत है, मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया, मैं सेक्रेटरी बन गया, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट बन गया, बस अब मैं ही हूं, और अगर इनको ये होता कि मेरे पास जितना वोटर है तब मैं नेता हूं,
हमारे यहाँ के वोटर है आप नेता हो ये नहीं है, मैं किसी सत्ता के मास लीडर पहले मास लीडर हुआ करते थे, जैसे जगजीवन बाबू थे ना अक्रॉस द स्टेट्स, कई कई लीडर जैसे थे। और अब मास लीडर क्या कम्युनिटी लीडर्स जिसको बोलते हैं कम्युनिटी लीडर, उसका प्रोडक्शन बंद हो गया है, तो बंद हो गए, क्योंकि आप संगठन में काम करने वालों को अगर केवल उन्हीं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे और पब्लिक लीडर्स को कम, तो पब्लिक लीडर्स कम होंगे। चलिए जिस कंपनी में आरएनडी ज्यादा होती है वहां नए प्रोडक्ट्स आते हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग का ही केवल होता है वहां पुराने प्रोडक्ट्स चलते हैं, तो सीधी बात है ना। और मास लीडर्स तो आरएनडी की तरह है ना, और ये ऐसा नहीं है कि जो लोग अभी हैं पोजीशन में वो मास लीडर नहीं बन सकते, उनको जरूरत नहीं लगती मास लीडर बनने की, ऐसा थोड़ी है कि जो हमारे जनरल सेक्रेटरीज हैं जो सत्ता में है मास लीडर नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते भाई, अगर पुश होगा कनेक्ट ही तो करना है मासेस से, अगर अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं वो काम करूंगा ना, फिर उसमें हमें जो ज्यादा अच्छा वो ज्यादा आगे चला जाएगा, लेकिन फिर प्रतिस्पर्धा इस फील्ड में भी होगी भाई। ऐसा क्यों है कि सब कुछ मोदी के आने के बाद तो वो सत्यानाश हो गया, लेकिन एक जमाने में आप देखो तो बीजेपी के पास 20-20 स्पीकर होते थे हर स्टेट में, हम 70 साल की पार्टी हम 10 नहीं इकट्ठा कर पाते थे, क्यों भाई क्यों ऐसा कहा जाता है? वैसे कांग्रेस में बहुत अच्छे स्पीकर थे, लेकिन नॉन चेहरों की मैं बात कर रहा हूं, लोग क्यों कहते हैं यार कांग्रेस में स्पीकर ही नहीं है, ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस में स्पीकर ही नहीं है? नहीं, सब देखिए कांग्रेस का लीडरशिप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़े हुए पढ़े बना जनरेशन है, पब्लिक में बैठ के उनको मंत्रमुग्ध करके 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट अपनी बात रखें, क्यों नहीं होंगे वो लीडर, वो लीडर क्यों नहीं कांग्रेस के दिखते? नहीं, वो व्यक्ति के इर्द गिर्द, अब मुझे लगा कि इसमें शायद कुछ चिंतन मनन हो रहा है कि नेता के इर्द गिर्द जो खाली भवड़े की तरह मंडराने वाला कल्चर है, इसको छोड़ के सीधे मासेस के बीच जाइए काम कीजिए, ये वाला संस्कृति आनी चाहिए। अगर आएगा तो देखिए कुछ तो आपको भंवरे भी चाहिए, हाँ ऐसा नहीं कुछ चाहिए, हाँ उसके बिना नहीं चलता है। और देखो थोड़ा बहुत कितना भी आप खुलापन कर लीजिए, थोड़ा बहुत सामंती व्यक्ति को होना पड़ेगा यार। नहीं तो भारत में मुश्किल है राजनीति करना, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है राजनीति करना, यहाँ हर चीज प्रोफेशनल सिविल सोसाइटी उतना मैच्योर नहीं है, दूसरा हमारे यहाँ पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में प्रोफेशनल्स का आना चले जाना अपने प्रोफेशनली कंट्रीब्यूट करके चले जाना वो प्रथाएं भी नहीं है, तो हमको अपने नहीं, तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल सपोज कल को मैं कुछ बना तो मैं कहूंगा प्रोफेसर आप छोड़ो 5 साल के लिए मेरे पास आओ, अगर आप मेरे साथ 5 साल के लिए काम करके वापस गए आप खत्म हो गए, आपको जिंदगी में कोई प्रोफेसर ही नहीं मानेगा, ये तो कांग्रेसी है। तो हमारे ये प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है कि पॉलिटिक्स में प्रोफेशनल आ सकते हैं जा सकते हैं, तो अगर आपको हम नहीं रखेंगे तो फिर तो कोई जो बेचारा मिल रहा है लड़का वो ही आएगा और वो फिर मेरी कोटरी बनेगा, वो कि उसके पास प्रोफेसर ही तो है नहीं, उसके पास जॉब तो है नहीं, वो क्या करेगा? चलिए बहुत अच्छी बातचीत हुई और निकल कर आता ना। एक सवाल और देखिए, कभी ये कांग्रेस पार्टी या लीडर, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी रही है जिसमें सारे कंपोनेंट्स एक साथ रहे हैं, थोड़ा डेमोक्रेटिक भी है थोड़ा फ्यूडल भी है, थोड़ा स्पेस इनको भी छोड़ दिया थोड़ा इनको भी छोड़ दिया, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ की है, मतलब अभी सदस्यता मतलब चली गई, घर खाली करवा लिया, ऐसा तो कांग्रेस अपने किसी शत्रु से भी राजनीतिक शत्रु से भी नहीं की होगी कभी, कि नेशनल लीडर से घर खाली करवा ले। कैसे कर्नाटक का चुनाव है, रिपोर्ट्स तो आपके पक्ष में अच्छे आ रहे हैं, हम लोगों ने भी बातचीत की है तो ठीक ठाक लग रहा है, कभी ये कल्पना की थी कि इस तरह का रिजीम देखने को भी मिलेगा? नहीं, नहीं। कैसे काउंटर करेंगे, 24 का चुनाव आ रहा है। देखिए ये कि ये प्रधानमंत्री और उसकी सत्ता और उसके सत्ता के लोग किसी व्यवस्था को इतना ज्यादा एक फासिस्टवादी सत्ता, और ये अपने तरीके की फासिस्टवादी है, ये वो जर्मन और इटालियन फासिस्टवादी है, बिल्कुल इंडियनाइजेशन। देखिए ये जो जिसको बहुत से लोग कहते हैं कि इट्स नॉट अ डिक्टेटरशिप, इलेक्टोक्रेसी वाली डिक्टेटरशिप अलग तरीके की, और ये देखा है पिछले 30-40 साल में लिबरल और प्रोग्रेसिव व्यूज जब का वर्चस्व हुआ तो उसके बाद सब लोगों ने समझ लिया कि ये पुराने धड़े पे तो नहीं आ सकते, तो चाहे पुतिन हो चाहे और लोग हो, ये बिल्कुल नई तरीके से सत्ता पर हमेशा के लिए काबिज हो रहे हैं। और एक समय भी आता है बहुत देर तक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स चलती है तो रिएक्शन आता है समाज से, समाज में जब अच्छे बदलाव अच्छी तरफ आते हैं तो पुराने समाज के जो लोग होते हैं कुंठित बैठे होते हैं उनको जहां मौका लगता है वो, और फिर वो हमेशा रिलीजन पे जाते हैं, रिलीजन पे आइडेंटिटी पे, किसी न किसी आइडेंटिटी पे जाते हैं, वो कोई रशियन आइडेंटिटी लेके चलता है, कोई धर्म के लेके चलता है, तो वो देखिए मेरा ये कि चाहे राहुल जी पे हमला हो चाहे कोई, इसका हमें 2000
17-18 से तो अंदाजा था हमें और हमें तैयारी करनी चाहिए थी, वो हम लोगों ने तैयारी शायद और तैयारी हमें करनी है कि देखिए इनको आप सबसे पहले इन्होंने जगह की है अपने झूठ से, अपने इतिहास बदलने से, वर्तमान की परिभाषा बदलने से, संदेशों को बदलने से, जो लोगों के दिल और दिमाग पर उन्होंने जगह बनाई है, आपको वो दिल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इफेक्ट कम करना, वहां आपको जाना ही पड़ेगा। और देखिए लोग कह दें कि मीडिया हमें नहीं सुनता है, व्हाट्सएप हमें नहीं सुनता है, तो इंसान तो सुनता है। इस सड़क पे तो आप हम लोग तो छोटे मोटे एक्टिविस्ट हैं, तभी करोड़ों लोग सुन लेते हैं। कोई ना कोई तो सुन रहा है ना। एक सुनेगा, दो सुनेगा, चार सुनेंगे, दस सुनेंगे, भाई कुछ हुआ तो आज आप और हम बैठे ना जी। मेरा जी अगर ये परिस्थितियां नहीं होती और सामान्य चल रहा होता तो आप हम शायद कभी मिलते भी नहीं। हाँ। ना आप अम्बेडकर नामा चैनल चालू करते, ना हमें इंटरनेट देखने की जरूरत पड़ती, क्यों हमको लगता कुछ कर करा के यार NDTV है, टाइम्स नाउ है, ये है, इनमें ही कुछ ना कुछ पता ही चल जाता है। एक तो वो हमने तैयारी नहीं की। आज जो है, अच्छा आप 2024 की बात करें या आगे की बात करें, देखिए एक चीज आप मानिए, अभी तक क्या था, एक बहुत बड़ा बदलाव देश की राजनीति में मुझे आता दिखता है। पहले क्या था, ऊपर मोदी के नाम पे जीतते थे, नीचे मोदी के नाम पे जीतते थे। अब नीचे मोदी के नाम पे नहीं जीत रहे, बहुत दिन सत्ता में रहने के बाद तो डबल इंजन में एक इंजन तो खराब हो गया है, और दोनों इंजनों में औजार वही है, ईंधन वही है, ड्राइवर वही है, टेक्नोलॉजी वही है, ठीक है। तो जब एक तरीके इंजन खराब होने लगे हैं, ठीक है, तो अब आपको समझना चाहिए कि क्या आप इन राज्यों में, और आप अगर इन राज्यों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन राज्यों में हमने मुद्दे लोकल रखे, हम लोगों के विकास से जुड़े, हमारा कार्यकर्ता क्योंकि हमारे स्थानीय नेता उसमें जुड़े, वो लोगों के साथ जुड़ा। हिमाचल का एक्सपेरिमेंट सामने ले लो, चाहे मध्य प्रदेश ले लो, चाहे छत्तीसगढ़ ले लो, राजस्थान ले लो, कर्नाटक ले लो, हमने लोकल लोगों को सामने रखा, जहां इनकी स्ट्रेंथ थी उस पर बैटिंग नहीं की। हम कभी इनकी पिच पर नहीं खेले, ये अपनी पिच हर जगह फैलाते रहे, हम वहां गए नहीं खेलने, हमने परहेज किया बहुत से मुद्दों से, और वो रणनीति का हिस्सा होता है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको इस तरीके से नई रणनीतियां, नई कहानियां गढ़ना और नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आखिरी सवाल जो है वही मैं आपसे करने वाला हूं संक्षेप में, बहुत शानदार बातचीत हुई आपके साथ। 70 साल में जो हुआ बीजेपी ने 10 साल में भेज दिया। हाँ। सारे इंस्टीट्यूशन, सारे जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, सबका जो कैरेक्टर है वो सबके सामने है। क्या 24 में राष्ट्रीय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, यूपीए में कहता हूं, खाली कांग्रेस यूपीए वैकल्पिक एजेंडा लेकर देश के सामने यूपीए आएगी, क्योंकि वैकल्पिक एजेंडा पे ही तय होगा कि चुनाव किस दिशा में जाएगी। देखिए वैकल्पिक एजेंडा तो आना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। और मैं एक और चीज बता दूं, जो विपक्षी एकता की बात हो रही है जी, ये तब सक्सीड करेगी जब सेलेक्टिव होगा। हर आदमी के साथ नहीं बैठ सकता। ये जो ईच वन एक पर एक जो है, ये सपना है। एक पर एक उनका एक पर एक हो सकता है जो साथ में बैठते हैं। जैसे कोई पार्टियां हैं जिसके कार्यकर्ता एक दूसरे से बैर खाते हैं, उनको अगर आप साथ कर दोगे तो अकेले लड़ेंगे, दूसरी पार्टी का वोट उन पे नहीं जाएगा। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां समझ लो हम बीजेपी के खिलाफ हम और कोई और पार्टी लड़े और हमारा कैंडिडेट मिल गया तो दूसरी पार्टी वाला क्या वोटर हमें नहीं जाएगा, बीजेपी में चला जाएगा। कई जगहों पे ऐसी है और सबको मालूम है कौन सी स्थितियां हैं। भाई कुछ ऐसा है ना, 60-70 साल तो कुछ पार्टियों का बेसिक रिएक्शन ही एंटी कांग्रेस रहा है। हाँ। अभी भी जैसे कई आप समाजवादियों से मिलो, वो कांग्रेस से ज्यादा घृणा करते हैं मोदी से, आज भी उसका वोटर ज्यादा घृणा करता है। वो सवाल मैंने दलित पॉलिटिक्स में भी देखा है, वहां भी है। और मेरे समझ में ये नहीं आता है कि भाई अब कांग्रेस पावर में नहीं है, RSS बीजेपी सामने है, तो सिलेबस बदलो भाई। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम ही ने अपनी बातें नहीं की समाजों से, लेकिन मेरा ये कहना कि अगर इंटेलिजेंट अलायंस होता है तो इन लोगों को दिक्कत होने वाली है। इंटेलिजेंट अलायंस, और कहीं कहीं अलायंस नहीं भी हो तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है हर जगह अलायंस की जरूरत है। आज अगर जैसे साउथ में तो ये अनकंफर्टेबल है। हाँ, जैसे उदाहरण पे अगर कुमार स्वामी की पार्टी कांग्रेस के साथ लड़ती कर्नाटक में JDS. तो शायद JDS, तो शायद हम उतने तीखे तरीके से नहीं लड़ पाते। आज अलग अलग लड़ रहे हैं तो शायद उसका फायदा हो। लेकिन कुछ जगहों पे साथ लड़ना चाहिए। तो अगर इंटेलिजेंटली इन्होंने कर दिया, और दो इस समय 3 या 4 बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं देश के सामने, नौकरी है, इन्फ्लेशन है,
गरीबी है, हेट्रेड है, और हेट्रेड है, और एक ही है सर, इस समय जो कहते हैं ना कि आज हर आदमी किसी ना किसी स्थिति में माइनॉरिटी है, परेशान है, और माइनॉरिटी है वो अपने आप को मेजॉरिटी के सामने कमजोर पा रहा है, और मेजॉरिटी इस समय अग्रेसिव हो रही है। केवल कम्युनल मेजॉरिटी की नहीं बात कर रहा मैं, कहीं जमीन के मुद्दे पे वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी में है, कहीं कानून के मुद्दे में वो माइनॉरिटी पे है, कहीं लूटमार में वो माइनॉरिटी में है, कहीं जीएसटी के दबाव में वो माइनॉरिटी में है, कहीं सरकार की दमन के नीचे वो माइनॉरिटी में है, कहीं महिला पुरुष में वो माइनॉरिटी में, हर आदमी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी, वो तो आपको मालूम है हर आदमी कभी मेजॉरिटी में होता है कभी माइनॉरिटी में होता है, लेकिन जो मेजॉरिटी का रूप पहले था कि वो मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटेरियन नहीं थी ना, जो एक बहुत मेजर फर्क है। आज मेजॉरिटी ने हर जगह बंदूक उठा ली है, तो आपको केवल हर इंसान के अंदर की वो माइनॉरिटी वाली जो इनसिक्योरिटी है उसको एक लाइट दिखानी है जी। उसके लिए एजेंडा में कुछ ना कुछ रखना है, और अगर आपने यू तार पिरो दिया तो ये डबल इंजन जो है गया काम। चलिए शुक्रिया, आप सुन रहे थे संदीप दीक्षित साहब को, एक एक्टिविस्ट इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन है, और विस्तार से अपने पार्टी की, अपने पार्टी के अंदर जो कमजोरियां हैं उन पर भी इन्होंने बातचीत की है, और कैसे एजेंडा के साथ लड़ा जाएगा, और लोकसभा चुनाव होने से पहले 3-4 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, तो उससे भविष्य तय होगा 24 में चुनाव का, और चलते चलते जंतर मंतर पे जो लड़कियां महिला पहलवान बैठी हुई हैं और पुलिस ने जो वहां पे बदतमीजी की है, ये दिन हम लोग शायद कांग्रेस के जमाने में आपने बाबा रामदेव को वहां बैठाया था, इनको लाल किले, वो रामलीला में, रामलीला ग्राउंड में रात भर वहां पे जो है ना भोज चलता रहता था। जो मेरे ख्याल से कल रात को हुआ है, हाँ, ये तो हमारी सरकार का सबसे काला चेहरा है, है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अन्ना बाबा बैठे रहते थे वहां, लंगर चलता रहता था रात भर, मिनिस्टर मिलने जाते थे, लेकिन 10 साल में ही डिफरेंस देख लीजिए। कल रात तो माफ करिएगा मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, संविधान को थप्पड़ पड़ा है, मैं बहुत बड़ा शब्द कह रहा हूँ, सरकार ने थप्पड़ मारा संविधान को। चलिए ये तरीके से, हाँ, होता ना, ह्यूमिलिएट कर दिया, ह्यूमिलिएट किया है। तो देखते रहिए अंबेडकर ना, संदीप जी लगातार कोशिश करेंगे जब ये दिल्ली में हो और कुछ खास मुद्दा हो जिसपे बातचीत की जाए। अंबेडकर नामा स्पॉन्सर्ड चैनल नहीं एक बौद्धिक मंच है जिससे हम लोग बातचीत करते हैं, और यहाँ कोई कमर्शियल ब्रेक नहीं होता है, पूरा सुनते रहिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, समय समय पर संदीप जी के साथ हम लोग चर्चा को जारी रखेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।